हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि हम अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन बनाते आए हैं, वैसे ही इस बार भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें एसएसटी का जो ज्योग्राफी का पोर्शन था, ज्योग्राफी के यहाँ 14 क्वेश्चन आए थे, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे तरीके से। जैसा हम पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, वैसा ही हुआ है अब की बार भी। आपको बोलते रहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो है वो पढ़ते जाइएगा, या जो अदर एग्जाम अभी फिलहाल हुए हैं पीछे की तारीखों में, कि जैसे आज स्टेट हुआ है उससे पहले एग्जाम हुए हैं, कि क्वेश्चन वहीं से बनता है, उन्हीं चैप्टर से बनता है और वैसा ही बनता है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे आप जब जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी भेज दूंगा वीडियो के, जो मैंने अपलोड की हुई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, बहुत ही कम समय में बनाई हुई वीडियो, जैसे 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट की वीडियो है। इसका मतलब आपका जो कंटेंट है, बड़ी क्रीमी कंटेंट आपको दिया जाता है यूट्यूब पे चैनल के द्वारा, इस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। और आगे भी बोल देते हैं आपको, आगे जो एग्जाम होते हैं, सिर्फ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो प्लेलिस्ट में जियो एंड क्वेश्चन बैंक है, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो वो जियो एंड क्वेश्चन बैंक की वीडियो जरूर देख के जाइएगा आप, और उन्हीं चैप्टर को पढ़ के जाइएगा जहां आपको बहुत कम समय में, इसमें आपका 1 घंटे में ज्योग्राफी का कंटेंट अच्छे से तैयार हो जाएगा, जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं ज्योग्राफी की। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो जो अदर वीडियो हैं, एनसीईआरटी हैं, या फिर आप कोचिंग में पढ़ते हैं, या फिर अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वो तो कंटेंट है ही है आपका। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए मैंने आपको प्रूव भी कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वो देख लेंगे कौन कौन सी वीडियो थी जहाँ से। और आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन थे, भारत के तिब्बत, छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, और जो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में क्वेश्चन थे, और उसके बाद फिर मरुस्थल के बारे में थे, जो फिर व्यापारिक पवनों के बारे में क्वेश्चन था, ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है वीडियो में। जो फिर वलित पर्वत क्या होते हैं, भंसदत्त पर्वत क्या होते हैं, और फिर चंद्रमा का हमें भाग दिखाई देता है, कितने प्रतिशत भाग दिखाई नहीं देता, तो इस टाइप के ये आपके टोटल 14 क्वेश्चन थे जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। विच पार्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नो एज लिटिल तिब्बत? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है आपका लद्दाख। जो लद्दाख है, वो जो कल्चर है, तिब्बत कल्चर ज्यादा मात्रा में है वहाँ, इसलिए इसको लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए है, इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोयला एंड आयरन और ए, यहाँ कोयला एवं लोहा आयसक जैसे खनिजों की प्रचुरता है। ऑप्शन बी, रिवर्स महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द प्लेट्यू। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदी मौजूद हैं। ऑप्शन थ्री है, इट लाइज टू साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन चार है, अरावली हिल्स बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो ये चार ऑप्शन है, यहाँ आप समझ ही गए होंगे। यहाँ जो भारत में प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा है, भाई कोयला लोहा अपार मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन सही है। यहाँ उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जैसे गंगा सतलुज का मैदान है उसके बिल्कुल नीचे है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भी राइट है। यहाँ इसने क्या किया, डायरेक्शन गलत दे दिया, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली, इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। तो इसका मतलब ये आंसर बनेगा आपका, इनमें से ये प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? ऑप्शन वन है, गोबी डिजर्ट इज लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट, गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। जी नहीं, गोबी मरुस्थल चीन के अंदर आता है। नेक्स्ट है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसके एशिया से अलग करता है। जी गलत है, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत, तो ये यूरोप और एशिया के बीच में आएगा, ये भी अफ्रीका से संबंधित नहीं लगता है। ऑप्शन थ्री, ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, कह रहा है कि अफ्रीका एक ऐसा पार्ट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा मात्रा में है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी गलत है।
इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसके जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। दोस्तों ये रहा आपका आंसर। तो आइए बात करते हैं कैसे आपने देखा था यहाँ पर जो आंसर, जो हम कॉन्टिनेंट कराते हैं आपको वी शेप में, सॉफ्टी के टाइप में याद कराते हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो यहाँ एक वी बनाते हैं दक्षिणी अमेरिका के लिए, एक वी बनाते हैं उत्तरी अमेरिका के लिए, एक वी बनाते हैं अफ्रीका के लिए और एक वी बनाते हैं इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए जीरो बनाते हैं। यहाँ बड़ी आइसक्रीम है, ये इस पर आइसक्रीम कम रख देंगे, सॉफ्टी बड़ी है, यहाँ सॉफ्टी छोटी है, फिर ऊपर से अपना इंडिया है तो इस पर आइसक्रीम ज़्यादा रख देंगे। तो ये बन जाते हैं आपके कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका नंबर दो पे है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे है अंटार्कटिका, नंबर छः पे है यूरोप, नंबर सात पे है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ देख पा रहे हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच में से तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं। ये क्वेश्चन आगे पूछते रहे हैं बार बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम बिकॉज, कह रहे भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्यों? ये लौटते मानसून की वजह से होती है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ कौन कौन से हैं। विंड ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, विंड मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू अरेबियन सी, ऑप्शन यही राइट बनेगा आपका। जैसे लौटता मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून अरब सागर से आता है और लौटता मानसून फिर मध्य भूमि से कहाँ जाता है, अरब सागर की ओर जाता है। तो राइट आंसर ये बनेगा, ऑप्शन थ्री था जो विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल, वो गलत हो जाता है, दूसरी दिशा में चला जाता है। तो यहाँ जब आप देखेंगे जब भारत में मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है, तो आप देखेंगे इधर से जब मानसून आया ये भारत के दक्षिणी पश्चिम से आता है इसलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, और दिसंबर महीने में ये लौटना शुरू कर देता है तो इसे लौटता मानसून कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मानसून क्या हो रहा है, मेनलैंड से अरेबियन सी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन, निम्नलिखित में से कौन भरणसोत्तत पर्वत है? आपको पहले बता चुके हैं भरणसोत्तत पर्वत कौन से होते हैं जिन पहाड़ों के साथ रिफ्ट घाटियां मिलती हैं, मतलब एक ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं फिर गहरी गहरी खाइयां होती हैं, फिर ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं और गहरी गहरी खाइयां होती हैं, वो भरणसोत्तत पर्वत होते हैं। तो यहाँ यूराल पर्वत जो है ये आपका आता है एशिया और किसके बीच में, यूरोप के बीच में आता है, ये राइट आंसर नहीं है। वासेस जो है यूरोप के अंदर है, ये भरणसोत्तत पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है, अपलेशियन भी वलित पर्वत है और यूराल भी वलित पर्वत है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हुआ, वासेज पर्वत हुआ जो भरणसोत्तत पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ, सही बात है, पृथ्वी में से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, 57%, 43% भाग दिखाई ही नहीं देता, कारण क्या रहा है? स्टेटमेंट बी है, द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। सही है जी, रोटेशन रिवॉल्यूशन जो है चंद्रमा का 27 दिन 7 घंटे पड़ता है, तो वो जितने टाइम में पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा उतने ही टाइम में वो अपने अक्ष पे भी घूमेगा, इस वजह से हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनेगा ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की, तो ये राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये रॉक्स वाले चैप्टर से है आपका क्वेश्चन, कायंत्रित शैलों के बारे में दिए गए ए बी तथा सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ए जो क्या कह रहा है, व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज टू मेटामॉर्फिक, राइट। ऑप्शन ए है, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायंत्रित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, जी सही है एकदम ऑप्शन। ऑप्शन बी,
मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म मेल्ट मैग्मा व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। ऑप्शन बी कह रहा है, कायंत्रित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। जी सही बात है। ऑप्शन सी है, मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक्स, मार्बल एक कायंत्रित चट्टान है। ये भी सही है। कैसे सही है? आप देखेंगे, जब लाइमस्टोन और क्वार्ट्स सैंडस्टोन जो हैं आपकी सेडिमेंट्री होती हैं और वो फिर कन्वर्ट किस में हो जाती हैं, मार्बल में और क्वार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो रहेगा आपका, तीनों सही होने की वजह से राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं, ये आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताते हैं, जब चैप्टर याद करते हैं तो मध्यमंडल आएगा। अब इंग्लिश में कैसे बनता है, ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर फ्रॉम स्पेस डू नॉट मेट डू द मेट्योराइट्स बर्न अप। तो मेट्योराइट्स में एम ई है, मेसोस्फीयर में भी एम ही है। जब आपको चैप्टर याद कराते हैं तो उस टाइम पे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आपका तीन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन परमानेंट विंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्थाई पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन वन है, दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये पवने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। जी सही बात है, एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवनों को ही परमानेंट या प्रीवेलिंग विंड कहा जाता है। ऑप्शन बी, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ दीज विंड्स, पश्चिमी और पूर्वी पवने इनके उदाहरण हैं। हाँ जी, पूर्वी पवनों को जो बोलते हैं व्यापारिक पवने बोलते हैं ईस्टर्लाइज विंड, और वेस्टर्लाइज विंड को पछुआ पवने बोलते हैं, पश्चिमी पवने बोलते हैं। ये दोनों सही हैं। तो यहाँ दोनों ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा आपका, ए और बी दोनों सही हैं परमानेंट विंड के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंपोस इन ब्राजील एंड लानोस इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये राइट आंसर बनेगा, ब्राजील के कैंपोस और वेनेजुएला के उदाहरण है। आप देखेंगे, जब आपको अभी भी मैप बना के बताए थे तो उसमें आपने देखा था जो ये कॉन्टिनेंट नजर आ रहे थे, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो ग्रासलैंड होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में, और यहाँ है वेनेजुएला। तो आप देखेंगे वेनेजुएला और ब्राजील की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है, तो यहाँ उष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, और इनसे ऊपर नीचे जो देखेंगे वहाँ शीतोष्ण, जैसे यहाँ पर जो वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ डाउन शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, और नीचे पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन था आपका। और फिर वापस वहीं अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन देखेंगे हमारा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कंप्लीट हो चुका है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट चूज द करेक्ट आंसर। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन है, क्लाइमेट रेफर्स टू द डे टू डे चेंज इन एटमोसफियर। जलवायु वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जी नहीं, दिन प्रतिदिन होने वाला जो जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन का जो परिवर्तन होता है वो आपका मौसम कहलाता है, जलवायु नहीं कहलाता है। जलवायु कम से कम 31 वर्षों का डाटा इकट्ठा करके देखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड ओनली बाय इट्स एल्टीट्यूड एंड रिलीफ। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और चौड़ाई पर निर्भर करती है। जी करती है, लेकिन इसने शब्द दे दिया सिर्फ, सिर्फ मतलब यही कारण नहीं है, और भी कारण है। समुद्र से दूरी, कितनी दूरी पर हैं आप, वो भी कारण बनता है। तो यहाँ आंसर बनेगा जो आपका, ये दोनों क्या हो गई, गलत हो गई। इसके हिसाब से बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए एंड बी दोनों गलत हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिए गए लक्षणों ए एंड बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, नीचे जमीन के नीचे से तल लाया। तो क्वेश्चन देखेंगे अंग्रेजी में क्या है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी। इट इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू सरफेस। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, वैक्स, बायोगैस, नेचुरल गैस। तो यहाँ राइट आंसर बनेगा आपका प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, क्योंकि जो प्राकृतिक गैस जमीन के नीचे से निकाली जाती है तो क्रूड ऑयल के साथ जो क्रूड ऑयल भी निकाला जाता है, और ये कन्वेंशनल सोर्स है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड, ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर है, तो राइट आंसर अंटार्कटिका बनेगा, जिसमें हमने बताया था मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री, ये अभियान भारत के चल रहे हैं अंटार्कटिका के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मिनरल्स, खनिजों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट, जी सही है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिकल, ये गलत है जी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं, खनिज धात्विक भी होते हैं, तो ये आपका आंसर था। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, उसके बारे में आपको जानकारी पता ही होगी कहाँ से क्या करना है। हम आपके टाइम को खराब नहीं करना चाहते, आपको कंटेंट देना चाहते हैं ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले, बहुत कम समय में मिले। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।